सरोरे रे मारे अक्का ना चला तेरा जोर रे सिस्टम पैल का चला छोर टोर में। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्लूक गाइस, आशा करता हूँ फ्लूक पड़ गए होंगे। तो गाइस कि आपके पास सैमसंग का A54 डिवाइस है जी। गाइस अगर आपके पास सैमसंग का A54 डिवाइस और आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में कौन कौन से नए और बेस्ट फीचर हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं उन्हें रिवील कीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 52 प्लस न्यू फीचर जो आपके काम में आने वाले हैं और वो यूजफुल होने वाले हैं। कुछ फीचर ऐसे होंगे जो आपने हो सकता है अदर वीडियो में देखे हों और कुछ फीचर ऐसे बताने वाला हूँ जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बात करें पहले फीचर की, आपको एक कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है वो यहाँ पर पहली बार में नहीं आता है। जब दूसरी आप नीचे करते हो तब आप ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट बार में ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपको इसे लगाना है तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, कोई एक पैनल लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस कंट्रोल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, शो ऑलवेज कर देना है और डन कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका ब्राइटनेस का ऑप्शन है फर्स्ट बार में ही आ जाता है। एंड कैसे यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, अब आपको सिंपली जाना है गैलरी के अंदर। जैसे कि यहाँ पर गैलरी में आओगे व्यू ऑल पर क्लिक करना है। मान लीजिए कोई चीज़ आपको रिकवर करनी है, धोखे से आपका फोटो वीडियो डिलीट हो चुका है, तो आपको मान लीजिए कोई मैं फोटो वगैरह है या वीडियो वगैरह है उसे आपको सबसे पहले डिलीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए वीडियो मेरी, ठीक है, इससे मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपकी ये धोखे से कट चुकी है तो सिंपली आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा थ्री लाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइन पर क्लिक कर दोगे आपको जाना है रिसाइकिल बिन पे और यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो परमानेंटली, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। आप चाहें तो रिकवर भी कर सकते हो। जैसे रिकवर करोगे सिंपली आपको आ जाना बैक और यहाँ पर आपकी वीडियो द्वारा आ जाती है। तो ये नया फीचर मिल जाता है जो कि आपके ज़्यादातर काम में आने वाला है। कोई चीज़ भी धोखे से कट जाती है वो आप यहाँ से निकाल पाओगे। एंड गाइस यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फीचर की, सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप गेस्टर का यूज़ करते हैं, गाइस यहाँ पर गेस्टर का यूज़ बाद में बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। मान लीजिए मैं दो तीन एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने दो तीन फीचर यहाँ पर ओपन कर दिए। मान लीजिए आपको एक साथ दो एप्लीकेशन चलाने, जैसे कि यूट्यूब वगैरह मूवी देखनी है और किसी से चैटिंग वगैरह करनी, मैसेज वगैरह करना है, वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपको नीचे से स्वाइप अप करना है और उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखे रहना है और छोड़ देना है। देख सकते हो आपकी डबल स्क्रीन हो गई। एंड यहाँ से आप यूट्यूब वगैरह भी खोल सकते हो, एक ही टाइम पर दो एप्लीकेशन का यूज़ कर पाओगे। इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इसीलिए दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप दो एप्लीकेशन यहाँ पर यूज कर पाओगे। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आपको फ्लोटिंग विंडो का। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जैसे कि ये है, इसे आपको क्लिक करके रखे रहना है और बीचों बीच में लगा देना है। ये हो गया आपका फ्लोटिंग विंडो। ये क्या होता है, जैसे कि आप चाहें तो जितना कस्टमाइज करना कर सकते हो, जितना चौड़ा करना है यहाँ से कर सकते हो और जितना छोटा करना चाहें वो भी कर सकते हो। देख सकते हो छोटा करना आपको, ये छोटा हो जाएगा और यहाँ पर और भी छोटा करना तो यहाँ से कर सकते हो और इसे जहाँ पर आप ले जाना चाहें वहाँ पर ले जा सकते हो। ये होता है फ्लोटिंग विंडो और आप यहाँ पर स्क्रीन को भी यूज कर पाओगे। एंड आप चाहें तो इसे बिल्कुल भी हटा सकते हो और यहीं पर खुला रहेगा आपका। ये देख सकते हो यहाँ से छोटा करना है और ये हो गया आपका गैलरी का ऑप्शन परमानेंट यहाँ पर। और ये भी ये देख सकते हो, ये क्या आपकी जो विंडो वो खुली हुई है, यहाँ से कहीं पर भी आप इसे ले जाकर रख सकते हो, अपने मन को यूज करना है और कोई भी चीज़ वहाँ से आपको ओपन करनी है तो फ्लोटिंग विंडो आपकी खुली हुई है, यहाँ से आप ओके करके निकाल सकते हो। तो ये एक यूनिक फीचर मिल जाता है, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो आप इसे यूज कर सकते हो इमरजेंसी इस्तेमाल में। मान लीजिए आपका गेम वगैरह है तो आप उसे फ्लोटिंग विंडो में दबा के रख सकते हो, वहीं से ओपन हो जाएगा। एंड कैसे आप नेक्स्ट फीचर की बात करें वॉलपेपर कलर चेंज का, सिंपली आपको पिंच करना है, वॉलपेपर पर जाना है, कलर चेंज पर क्लिक करना है, कोई भी कलर यूनिक लेना है आपको, जैसे कि ब्लू ले लेता हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो कलर पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, स्टाइल पर क्लिक करना है और जो भी आप स्टाइल चूज़ करना चाहें यहाँ से कलर की, यहाँ से स्टाइल भी चूज़ कर सकते हो, जैसी भी आपको स्टाइल पसंद आए वैसे यहाँ से कर सकते हो। डन क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। भले ही वो एक ब्लू स्क्रीन था बट यहाँ पर देख सो वाइट बबल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे करके कस्टमाइज हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको विजिट लगाने, जैसे कि देख सकते हो मेरा यूट्यूब का लगा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं भाई मेरा गूगल का लगा है, तेरा यूट्यूब का कैसे लगा है। आप चाहें तो गूगल को छोटा भी कर सकते हैं, जितना छोटा करना है और छोटा करना है। इसे एप्लीकेशन बनाना तो एप्लीकेशन बना सकते हो, इसे ऊपर ले जाकर रखना तो यहाँ से भी ऊपर ले जाकर रख सकते हो और आप गूगल को यहाँ पर यूट्यूब को नीचे भी कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर मिल जाते हैं जो कि आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले को यहाँ से आपको बड़ा कर देना है, तो ये फीचर मिल जाता है आपको। लगाना है, पिंच करना है स्क्रीन को, विजिट पर क्लिक कर देना है और जो भी विजिट चाहिए यूट्यूब का चाहिए तो दोबारा से यहाँ पर यूट्यूब का लगा सकते हो आप। देख सकते हो मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब का।
पिंच करना है आपको दोबारा से, विजिट पर क्लिक करना है। और भी कोई फीचर चाहिए यहाँ से माई बर्थडे का लगा सकते हो, जो आपको नई विजिट चाहिए यहाँ से आप लगा सकते हो और यहाँ पर यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी यूनिक लगते हैं सबसे पहली बात तो। एंड गाइस यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फीचर की, सिंपली आपको आना है बैक एंड आपको जाना है होम स्क्रीन में, सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है, होम स्क्रीन लेआउट पर क्लिक करना है। और आप चाहें तो ड्रॉवर में यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैं क्लासिक में यूज करता हूँ अपनी स्क्रीन को, आप चाहें तो स्वाइप अप करके ड्रॉवर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यहाँ पर को होम स्क्रीन पे जाना और ड्रॉवर लगा देना, अप्लाई करना है और ये ड्रॉवर में ओपन होने लगेगी। तो ऐसे करके भी लगा सकते हो, बट मैं कर लेता हूँ क्लासिक क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है और मुझे क्लासिक में सबसे ज़्यादा पसंद है यूज करना। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि आपका ऑडियो वगैरह कम आ रहा है साउंड वगैरह, तो आपको पता है आपका ऑडियो डॉल्बी ऑटमोस को सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर वॉइस को बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम को, डॉल्बी ऑटमोस को यहाँ से ऑफ होगा, यहाँ से भी कंट्रोल सेंटर से ऑन कर सकते हो या सेटिंग से भी ऑन कर सकते हो। ये एक नया फीचर मिल जाता है, फीचर हर एक में आते हैं जो डॉल्बी ऑटमोस को सपोर्ट करता है, बट ये फीचर आपको कोई बताता नहीं है कि ये क्या काम में आने वाला है और कहाँ से इनेबल करना है। अगर आपको साउंड कम सुनाई दे रहा है तो या कम होने लगा है तो आप इसे ऑन कर सकते हो, लाउड हो जाएगा साउंड। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में, जैसे सेटिंग में जाओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, यहाँ पर आपको मिलेगा साउंड क्वालिटी इफेक्ट, एडेप्टिव साउंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, आपने किसी को गिफ्ट भी दिया फ़ोन को, पापा मम्मी जो, और उनकी उम्र सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्या होता है कभी कभी उम्र ज़्यादा होने से सुनाई वगैरह कम देने पर लगता है, तो यहाँ से आप उम्र चूज़ करके टेस्ट माई हियरिंग पर क्लिक कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये लाउड साउंड करके देगा आपको। और कॉल वगैरह आ गई तो उसका जो वॉइस है काफ़ी लाउड आएगा उन्हीं के हिसाब से, ताकि उन्हें अच्छे से सुनाई दे सके। तो ये एक नया फीचर देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, सिंपली आपको जाना है बैक, जैसे गाइस यहाँ पर बैक आओगे, अब आपको यहाँ पर जाना है नोटिफिकेशन पॉपअप में, तो आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम मोबाइल परचेज करोगे या रीसेट वगैरह कर देते हो तो आपका ऐसा सेलेक्ट होगा डिटेल्ड पे, इसे आपको ब्रीफ करना है, ब्रीफ करोगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर आ जाएंगी। आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा एज लाइट स्टाइलिश, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका नन होगा बिल्कुल, तो आप यहाँ पर जो भी लाइटें चाहें वो कर सकते हो। आपको RGB लाइट चाहिए रंगीन वाली, यहाँ पर गिल्टर लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसे भी आपको अच्छी करना है, एडवांस पर क्लिक करना है, वैसे आपका ये पतला सा होगा तो आप इसे चौड़ा वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग और डन कर देना है। काफ़ी अच्छी लगेगी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, RGB लाइट की तरह आपकी जो स्क्रीन की साइड है उन पर काफ़ी अच्छी लगेगी। हर कोई पूछेगा ये यूनिक फीचर कैसे कोई एप्लीकेशन डाला है, बट कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऑफिशियल तरीके से आपके सैमसंग के डिवाइस में मिल जाता है ये। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपको हाई रिफ्रेश रेट पर क्लिक करना है एंड आपको जाना है सेटिंग डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोशन स्मूथनेस, इस पर आपको क्लिक करना है। 120Hz पर चलाना है, 120Hz पर चला सकते हैं, बट आपको अगर बैटरी ज़्यादा चलानी है तो 60Hz रखना, बट आपको अपनी स्क्रॉलिंग वगैरह हाई स्पीड करनी है, मोबाइल की लैग जिटर फील ना हो, तो हाई रिफ्रेश रेट पर अपने मोबाइल को चला सकते हो। अप्लाई करना आपको सिंपली और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथ चलेगा, बिल्कुल ही इनहेंस चलने लगता है आपका डिवाइस, कोई भी यहाँ पर जिटर फील आपको नहीं होगा। एंड जैसे अपने नेक्स्ट फीचर की बात करें, बटन गेस्चर डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पर देखते हो गेस्चर का यूज है मेरे में, अगर आपको भी गेस्चर का यूज करना है या लगाना है गेस्चर को, तो आप सिंपली सेटिंग में जाना आपको एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन डिस्प्ले एंड नेविगेशन बार। तो गाइस यहाँ पर देखते हो मेरा गेस्चर लगा है, आप यहाँ पर बटन लगा सकते हो। और आप जब फर्स्ट टाइम मोबाइल को परचेस कर रहे हो तो गेस्चर लगा सकते हो क्योंकि बटन पे ऑलरेडी आता है, और आप बटन पे लगाओगे तो बटन की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो, टेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी करना आपको यहाँ से कर सकते हो। एंड मैं ज़्यादातर गेस्चर का यूज करता हूँ तो मैंने लगा दिया गेस्चर, और गेस्चर से लगाने से क्या क्या फायदे देख सकते हो, एक फीचर मिल जाता है आपको गेस्चर में, यहाँ पर आपको जाना है, जैसे आपका ये गेस्चर है ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, मैं दोबारा से फोकस करा देता हूँ आपको, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये आपका गेस्चर है ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कितनी डिस्प्ले खुली है, काफ़ी सारे यहाँ पर डिस्प्ले खुली हुई है ठीक है, आपको स्विच करना है एक से दूसरे पर ठीक है, तो कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर पे जाना आपको और यहाँ से आपको स्विच करना है दूसरे एप्लीकेशन पे, यहाँ से आप देख सकते हो स्विच कर सकते हो एक एक करके, सभी पे भी स्विच कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जितना भी आपको स्विच करना है यहाँ से स्विच कर सकते हो। ये होता है आपका गेस्चर का यूज, और आप यहाँ पर स्विच कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है आपको स्विच करने में। कोई हर कोई पूछेगा भाई ये अलग अलग फीचर कैसे हैं, तो इन्हें आप यूज कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर बात करें, अब आपको जाना सिंपली सेटिंग में, जैसी सेटिंग में जाओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑल विद ऑन डिस्प्ले एंड यहाँ पर क्लॉक स्टाइल मिलेगा आपको, जो भी आपको क्लॉक चाहिए स्टाइल पर क्लिक करना है। वैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसा होगा
तो यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, मोर पे जाना है, कैलेंडर वगैरह लगा सकते हो। दूसरी बात, आपको यहाँ पर इमेज क्लॉक पर क्लिक करना है, गैलरी पे जाना है और फोटो वगैरह भी चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरा फोटो लगा हुआ है, ये एक यूनिक फीचर मिल जाता है जो कि हर कोई पूछेगा कि और ये फोटो कहाँ पर आएगा मालूम है, होम स्क्रीन पर आएगा जो कि आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होती है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये फीचर भी लगा सकते हो और डन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपके डिवाइस में एक ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड सबसे पहली बात तो जैसे कि आप मोबाइल को यूज करते हो ना, डिस्प्ले पर क्लिक करना है आपको, नेविगेशन बार पर क्लिक करना है और बटन्स लगाने। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बटन, ज़्यादातर लोग बटन का यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को बटन ही पसंद आते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च फ्रॉम होम का, तो आपको सिंपली क्या करना है, होम स्क्रीन पर जाना है, होम स्क्रीन सर्च फ्रॉम होम, ये आपके में ऑन होगा। ऑन होने से क्या लॉस है आपको पता है, ऐसे सर्च करोगे ये ऐड आ जाता है, धोखे से ऐसे भी सर्च करोगे फिर भी ये ऐड आ जाता है। इसे रोकने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटिंग देखी थी और ये कोई भी नहीं बताता है। तो आपको सिंपली होम स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च फ्रॉम होम है ये ऑफ कर देना है, ये ऑन होगा ध्यान रखना, इसी वजह से ही पॉपअप आ जाता है। एंड कैसे यहाँ पर नेट फीचर की बात करें, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग, नीचे आना आपको एसबिलिटी पर क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये दोनों आपके में ऑफ होंगे। सबसे पहली बात कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, इसे आपको ऑन करना है और ज़्यादातर लोग आपको यही बताते हैं। सबसे पहली बात इससे क्या फ़ायदा है, जब भी आपके पास कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आएगा आपको ऑल ऐप या कोई परमानेंटली ऐप सेलेक्ट कर सकते हो बट ऑल कर देना। इससे क्या होगा, जब भी आपके पास कोई कॉल करेगा तो सबसे पहली बात आपकी जो बैक लाइट है वो ब्लिंक करेगी काफ़ी तेज़ी से। दूसरी बात आपके नोटिफिकेशन आएंगे तब भी लाइट ब्लिंक करेगी। आप कहीं नाइट में वगैरह में ट्रैफिक वगैरह है कहीं पर और आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाइट के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा कि कॉल आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। एंड स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन ये भी आप ऑन कर सकते हो, इससे क्या देख सकते हो, आपकी स्क्रीन डिस्प्ले ब्लू है, यहाँ पर कुछ टाइम पर येलो येलो सी दिखाई देगी, देख सकते हो दो बार देख सकते हो गाइस यहाँ पर येलो रही है। ऐसे करके इसे नोटिफिकेशन को ऑन कर सही, यहाँ पर आप ऑल ऐप सेलेक्ट करना और आपकी डिस्प्ले यहाँ पर वाइट से येलो और वाइट येलो ऐसे होती है, ब्लिंक करती है और काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर लगता है, तो आप इसे भी ऑन कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको जाना बैक। एंड गाइस यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें, आपके डिवाइस में एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, हालांकि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है बट आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है एंड आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाय चांस आपको नहीं मिलता है यहाँ पर तो आपको सिंपली इधर क्लिक करके देखना है, इधर भी नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको और करना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर होंगे जो ऐड करने के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आप ऐड कर पाओगे जो भी ऐड करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो कर सकते हो। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जब फर्स्ट टाइम करोगे तो मीडिया एंड माइक, इससे क्या होगा जो चीज़ आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करोगे वो भी रिकॉर्ड होगी, माइक सेलेक्ट कर दोगे मीडिया और माइक तो आपकी ऑडियो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात आपका शो गेस्चर ये ऑफ होगा, इसे भी आपको ऑन करना है, कोई चीज़ आप किसी को समझाओगे तो गेस्चर के माध्यम से समझा सकते हो। स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक करना है, अभी भी आपको देखना है और भी फीचर है इसमें, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो चुका है यहाँ पर 5 सेकंड 6 सेकंड। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई वीडियो वगैरह बनाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो बॉय का सैंपल बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, और इसे आप इधर से उधर यहाँ पर कहीं पर भी लेकर रख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा और ऑफिशियल तरीके से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना आपको और यहाँ पर इसे लगा सकते हो, इसी पे आपको क्लिक करना है ये ऑफ हो जाता है कैमरा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको अगर देखना है तो आपको सिंपली जाना गैलरी में और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ही आ जाती है। एंड गाइस हमारे नेक्स्ट फीचर की बात करें, जो कि बहुत सारे लोग उसी वजह से फ़ोन को परचेस करते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्ड, या आपको पता है अभी सभी एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल डायलर आ रहे हैं जो कि सामने वाले बंदे को मालूम पड़ जाता है कि हमारी कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपली आपको जाना सेटिंग में, सर्च बार पर क्लिक करना है, कॉल सेटिंग सर्च करना है आपको एंड यहाँ पर आपको जाना रिकॉर्ड कॉल पे। सबसे पहली बात ऊपर वाला ऑप्शन है ऑन कर देना, दूसरी बात अगर आपको ऑटो कॉल सभी की रिकॉर्ड करनी कॉल तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन कर सकते हो, दूसरी बात रिकॉर्डिंग कॉल को यहाँ पर देख सकते हो और जो रिकॉर्ड कॉल है उन्हें यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, तो ये फीचर आपको देखने मिल जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले बंदे को यहाँ पर मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर जो सैमसंग है वो खुद का अपना UI इस्तेमाल करती है और खुद का ही यहाँ पर डायलर इस्तेमाल कर रही है, गूगल डायलर इसमें नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉल की अनाउंसमेंट है सामने वाले बंदे को मालूम नहीं पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर ये थे कुछ फीचर जो कि एक यूनिक फीचर है सैमसंग की A54 डिवाइस में। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है उसे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।